बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हम बात करेंगे आज द्वितीयेश का द्वादश भाव के अंदर बैठने पर क्या क्या फल रहेगा, यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर सेकंड भाव का जो द्वितीय भाव का जो स्वामी है यानी सेकंड लॉर्ड है वो आपकी जन्म कुंडली पे कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है। आप समझ चुके होंगे, जो लगातार ज्योतिष के कार्यक्रम को देखते हैं वो तो मेरी बात को समझ रहे होंगे, लेकिन जो विगनर्स हैं वो थोड़ा और सरल करके समझ लें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट हाउस होता है उसको लग्न कहते हैं और जो सेकंड हाउस होता है उसी को द्वितीय भाव ज्योतिष के अंदर कहा गया है। उसका जो स्वामी है, उदाहरण के तौर पर हम देखें, हमारा मेष लग्न है तो द्वितीय भाव में 2 लिखा होगा, उसका स्वामी शुक्र होगा। अगर लग्न के अंदर 3 लिखा होगा तो फिर द्वितीय भाव के अंदर 4 होगा और उसका स्वामी चंद्रमा होगा। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, तो उसका मालिक कोई ना कोई, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न है, चाहे वहां पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4, 12 कोई भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम द्वितीय भाव के स्वामी को देख लेंगे और उसकी प्लेसमेंट जन्म कुंडली के अंदर कहाँ है हम उसको देख लेंगे और उसके हिसाब से हम आज के कार्यक्रम का फल समझेंगे। द्वितीय भाव को कुटुंब का जो सुख है हम द्वितीय भाव से देखते हैं, पैतृक प्रॉपर्टी को हम यहाँ से देखते हैं, आंख का विचार यहाँ से करते हैं, धन का विचार, आय और व्यय दोनों का विचार, क्योंकि आय और व्यय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है हम इन दोनों का विचार भी यहाँ से करते हैं। कई हद तक हम शिक्षा को भी पंचम भाव से भी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी उसके लिए विचार किया करते हैं। आकस्मिक जो धन की प्राप्ति होती है, मान लो कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, सट्टा का कार्य करते हैं, लॉटरी में अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए उसका विचार भी यहीं से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर द्वितीय भाव एक अहम भाव होता है और उसका स्वामी आपकी जन्म कुंडली के अंदर किस भाव पर बैठा है वो काफी अहम उसका जो है फल होता है। तो आइए बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग चर्चा को शुरू कर लेते हैं। नए दर्शक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं। तो धन का मालिक कहाँ बैठा है, मान लो धन भाव का स्वामी लग्न के अंदर बैठा हुआ, हम क्रम से चर्चा करेंगे, तो लग्न पर बैठना इसका शुभ होगा, क्योंकि एक तो केंद्र में बैठा हुआ, दूसरा केंद्र के साथ साथ ही लग्न एक अहम हिस्सा है, इसलिए लग्नेश के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं। तो लग्न भाव के अंदर केंद्र में यदि आपका धनेश बैठा है तो शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, जो आपकी धनागम की स्थिति को श्रेष्ठ दर्शाता है। आपकी मानसिक स्थिति का विचार भी हम द्वितीय भाव से करते हैं तो लग्न पर और केंद्र में बैठने से वह समुचित रूप से अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें पैतृक प्रॉपर्टी के विषय में भी हम देखें तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन सेकंड हाउस का विचार भी हमें करना है और वह यदि केंद्र और लग्न में बैठा है तो उसके लिए भी यह श्रेष्ठतम स्थान हो सकता है। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि अगर द्वितीय हमारा लग्न में केंद्र में बैठा हुआ है तो अच्छा फल यहां पर देगा। अगर वो द्वितीय के अंदर ही बैठे, आपका धन धन भाव के अंदर ही बैठा हुआ, तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो धन का ही मालिक बनकर के धन के भाव में ही बैठा हुआ है तो वो आपके लिए यहां पर अत्यंत शुभ फल प्रदायक बनेगा। चाहे धन के मामले में आगम की स्थिति को दर्शाने की बात हो, आपकी मानसिक स्थिति को अगर प्रेजेंट करने की बात हो, तो भी यहां पर यह बहुत अच्छे से इसका इसका जो है हम फलानु का अनु अनु का अनुमान हम कर सकते हैं। साथ ही साथ पैतृक जो प्रॉपर्टी है उसका भी विचार हम करें तो आपको अच्छे रूप में वह भी यहाँ पर प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर और भी समझना होगा साथ साथ ही, कि उसकी स्थिति किस रूप में है उसको भी देखना आपको नहीं भूलना है। उच्च की है, नीच की स्थिति है, किस भाव में बैठे हुए, उसके साथ साथ हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए। अगर मान लो तृतीय भाव में बैठे, ऐसे लोगों को अपने जीवन में पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के पश्चात आपको अच्छी और प्रचुर मात्रा में आपको जो है धनागम की स्थिति को मजबूत करता हुआ यहां पर यह दर्शाता है। चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हो तो चौथा भाव भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो है केंद्र भी माना गया है और सुख का भाव भी माना गया है। धन का मालिक सुख में बैठा हुआ है तो एक दूसरे के पूरक होकर के बैठे में कहीं ना कहीं धनागम की स्थिति को मजबूत भी करता हुआ यहां पर दर्शा रहा है, और एक दूसरे सुख को जो है यहां पर
वृद्धि जो है सुख की वृद्धि को यहां पर ये दर्शाता हुआ है। अब अगर पंचम भाव में बैठ जाए आपकी धने सेकंड लॉर्ड, तो पंचम भाव में बैठते ही उनकी स्तुति त्रिकोण में हो जाती है। और जन्म कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण एक अहम स्थान रखते हैं, ये आप सब जानते हैं। स्तुति पर पुनर्विचार वही होगा कि उच्च के हैं नीच के हैं, अवस्था क्या है, डिग्री क्या है, वो सब ज्योतिष में एक बेसिक स्तुति होती है, वह उसमें देखना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन तथापि यदि पंचम भाव के अंदर बैठे तो वह अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद भी और एक और चीजें हो जाती हैं कि इसका विशेष जो हम फलानुमान करते हैं वो इनकी दशाओं पर आधारित होता है या फिर गोचर अनुमान के आधार पर होता है, तो वह भी हमें इसमें साथ में सम्मिलित कर लेना चाहिए। अब यदि षष्ठम भाव के अंदर जो है हमारी धनेश की स्तुति होती है, तो धनेश की स्थिति को षष्ठम भाव में बहुत अधिक उत्तम ही माना जाएगा, क्योंकि षष्ठम भाव जो है रोग का, कर्ज का, शत्रु का, हम इसको इस रूप में देखते हैं ज्योतिष के अंदर। तो जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में यदि धनेश की स्तुति यहां पर बनती है, अब वो स्तुति वहां पर ये भी देखना लाजमी हो जाता है कि उसकी स्तुति किस प्रकार से वहां पर है, लेकिन फिर भी षष्ठम भाव के अंदर वह बहुत अच्छा यहां पर उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन वही अगर सप्तम भाव के अंदर हो तो सप्तम भाव वही केंद्र स्थान माना जाएगा, और सप्तम भाव बिल्कुल लग्न के सामने होने के कारण से, केंद्र होने के साथ साथ वह लग्न के सामने सप्तम भाव यानी जीवन का एक आधा हिस्सा, जहां से हम अर्धांगिनी का भी विचार करते हैं, अर्धांग यानी पति और पत्नी का विचार करते हैं, तो कुंडली के अंदर वह स्थान भी काफी अहम हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहां पर भी उसकी स्तुति श्रेष्ठतम मानी जाएगी। अष्टम में हम वही विचार करें तो बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा अष्टम के अंदर आपके धन के लॉर्ड को। नवम भाव के अंदर वह त्रिकोण की स्थिति में हो जाते हैं और समुचित रूप से यह भाग्य प्रदायक भी बन जाएंगे, और आपका भाग्य और धन एक दूसरे से जुड़ करके आपको यहां पर देखता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य से धन और धन से भाग्य, इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर आपके जीवन में एक शैली बन जाएगी, एक प्रक्रिया रहेगी। दशम भाव के अंदर बैठते हैं तो वो केंद्र में हो जाता है। दशम भाव राजकार्य राजकीय कार्यों को देखा जाता है, पैतृक और पिता के से हम इसको विचार करते हैं, धर्म के साथ में भाग्य के साथ में हम धर्म और धर्म के साथ कर्म का विचार भी हम यहाँ से जो है विचार करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी धनेश बैठना उत्तम कहा जाएगा। एकादश में अगर बैठते हैं तो यह भी धन भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आय का भाव होता है और वो धन भाव होता है। तो आपकी धनेश की स्थिति अगर एकादश में होती है तो और भी अच्छा है, वाके धन भाव की स्थिति को और मजबूत और प्रबल करता हुआ दर्शा है। अगर यह द्वितीय भाव या एकादश के बाद अगर आपका द्वितीय द्वादश में चला जाए तो ये खर्चों के साथ साथ व्यय को भी ज्यादा दर्शाएगा। अब ये पूरा हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि धन भाव की जो स्थिति है उसके साथ साथ में द्वादश में जाकर के वहां पर किस रूप में बैठा हुआ है, वहां पर नीच होकर के बैठा हुआ है या प्रतिकूल अवस्थाओं में बैठा हुआ है, यह भी विचार करना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर मिला के हमने जो है आज के एपिसोड में जो द्वितीय है उसकी स्थिति को द्वादश भाव में फल जो का एक आधार होगा उसको हमने इस एपिसोड में समझने का प्रयास किया। क्रमशः मैं इसी प्रकार से आपको द्वितीय के बाद तृतीय चतुर्थी इसी प्रकार से पूरी जन्म कुंडली का एक सामान्य फल बताने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष और अध्यात्म की तमाम बहुत सारी वीडियोस जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके माध्यम से देख सकते हैं, तमाम प्रकार के मुहूर्तों या फिर कुंडली का जो अध्ययन होता है या फिर कुंडली मिलान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो ये तमाम चीजें आप यदि इसके जानकारी के रूप में आप इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारी चाहे जन्म कुंडली देखना हो, बनाना हो, उसका विश्लेषण करना हो, तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नीचे लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों आप बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।